तो एक बार फिर वक्त आ गया है जब 7 मई को हमारे देश की इन 12 स्टेट्स में लोग वोट देने के लिए लाइन में लगेंगे, तो वोट जरूर देना। लेकिन वोट देने से पहले याद रखना कि ईवीएम पर बीजेपी को वोट देने के बाद जो लाल बत्ती जलेगी वो आपकी माँ बहन बेटी के लिए एक रेड सिग्नल होगा। मंजूर है क्या? क्योंकि 7 मई को हाथरस में भी वोट देने के लिए लाइन लगेगी, लेकिन उस लाइन से वो दलित बच्ची गायब होगी जो शायद होती अगर इस सरकार में वो या तो दलित ना होती या शायद एक महिला ही ना होती। तो वोट जरूर देना, लेकिन याद रखना कि हाथरस से 5 घंटे दूर ही उन्नाव में इस देश की एक बेटी के साथ इस देश की सरकार के ही एक एमपी ने रेप किया था। तो वोट जरूर देना, क्योंकि वोट देने के लिए लाइन तो कर्नाटक में भी लगेगी और बीजेपी को दिया हुआ आपका हर एक वोट आपके घर की बहन बेटी को प्रज्वल रवन्ना जैसे दरिंदों के साए में लाकर खड़ा कर देगा। तो वोट जरूर देना, लेकिन वोट देने से पहले एक बार खुद से पूछना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक रेपिस्ट के लिए आपसे वोट आखिर मांग कैसे लिया, और लाइन तो गुजरात में भी लगेगी। तो वोट जरूर देना, लेकिन वोट देने से पहले याद रखना कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों का सरकार ने हथकड़ियों से नहीं फूल मालाओं से स्वागत किया था। तो वोट किसे देना है ये फैसला बिल्कुल आपका है, लेकिन आज सवाल मेरा और आपका नहीं, हमारी बहनों का है, उनकी सुरक्षा का है। तो 7 मई को इलेक्शन नहीं रक्षाबंधन समझकर वोट देने जाना, ताकि घर जाकर अपनी बहन से आंख मिला सको, ताकि हिंदुओं के नाम पर वोट मांगने वाली सरकार को याद दिला सको, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।